इस बेस पर जब उनसे पूछा कि आपकी अप्रोच क्या है, तो उन्होंने कहा देखो भी ठीक से समझ लो, मैं कुछ शब्दों में अंतर स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूं। एक शब्द होता है धार्मिक सहिष्णुता, दूसरा होता है सर्वधर्म सद्भाव। एक बार यूपीएससी ने इनका मतलब पूछ भी लिया 3-4 साल पहले। तीसरा होता है सर्वधर्म समभाव, और चौथा शब्द होता है सर्वधर्म समन्वय। आपको ये भी बस स्पष्ट रहे कि इनमें से गांधी जी ने जिस शब्द का जिक्र किया है वो सर्वधर्म समभाव है, सद्भाव नहीं है, समभाव। देखो धर्म अलग अलग हैं, तो उन धर्मों के बीच में अच्छा रिश्ता कैसे बने? तो विभिन्न धर्मों के बीच अच्छा रिश्ता बनाने की जो अप्रोचेस हैं, वो ये अप्रोचेस चार मानी जाती हैं। एक है धार्मिक सहिष्णुता, एक है सर्वधर्म सद्भाव, एक है सर्वधर्म समभाव, और एक है सर्वधर्म समन्वय। धार्मिक सहिष्णुता के लिए शब्द आता है रिलीजियस टॉलरेंस, RT। देख लेंगे फुल फॉर्म इसके अपने आप, रिलीजियस टॉलरेंस। टॉलरेंस पढ़ाई है आप लोगों ने पहले भी, है ना, टॉपिक नंबर 3 में आया था। सर्वधर्म सद्भाव के लिए शब्द आता है रिलीजियस हार्मनी, HARMONY, हार्मनी। और हार्मनी ठीक से आए तो बनता है हारमोनियम। हारमोनियम क्या है? जिसमें संगीत के सुरों की हार्मनी काम करती है। हारमोनियस का मतलब होता है समन्वय पूर्ण, संगति पूर्ण, और हारमोनियम वो व्यवस्था है जो संगति पैदा करती है ध्वनियों के बीच में, इसीलिए उसका नाम हारमोनियम पड़ गया है। सर्वधर्म समभाव के लिए कोई एक शब्द नहीं है, लेकिन इसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल रिलीजियंस, इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल रिलीजियंस, इसको बोलते हैं सर्वधर्म समभाव। और चौथा है सर्वधर्म समन्वय, इसको बोलते हैं रिलीजियस सिंथेसिस। सिंथेसिस शब्द है ना, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, तो रिलीजियस सिंथेसिस। अब इन चारों में अंतर क्या है उसको एक एक शब्द में समझने का प्रयास कर लीजिए। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है अपने धर्म को मानना, दूसरे धर्म को सहन करना। आपको ध्यान ही है सहिष्णुता का सामान्य मतलब क्या था, सीमित मतलब, सहन करना, इसका सैद्धांतिक मतलब ये होता है। यानी हिंदू मुसलमान आस पड़ोस में रहते हैं, दिवाली के दिन मुसलमान अपने घर के अंदर बंद होके कान में रुई ठूंस ले और बीच बीच में अल्लाह ताला से प्रार्थना करें, इन मूर्खों को सबक दो, तबाह कर रखा है मुझे, लाहौल विला कुव्वत, और इस तरह से वो अपना, लेकिन लेकिन बाहर जाके लड़े नहीं, उनसे ना बोले कि बम बजाओ, घर के अंदर नाराज हो, अपने घर के लोगों को मार पीट ले, लेकिन बाहर जाके किसी को कुछ ना बोले। तो ये धार्मिक सहिष्णुता है कि हमें दूसरे धर्म के व्यक्तियों से झगड़ा नहीं करना है। ऐसे ईद भी आ गई, उस दिन हिंदू अपने घर के अंदर दरवाजे बंद करके सबको सिखा, बहुत खराब होते हैं लोग, मिलना नहीं इनसे, सेवई मत खाना, सेवई के अंदर कुछ है, तो ये जो है, लेकिन उनसे नहीं बोल रहा, वो मिलना ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। तो ये होती है धार्मिक सहिष्णुता की, मन में क्रोध भरा हुआ है लेकिन दूसरे धर्म के सामने अपने क्रोध का इजहार नहीं करना है, इसको बोलेंगे धार्मिक सहिष्णुता। ये ठीक है, धार्मिक झगड़े की तुलना में तो अच्छा ही है, पर ये बहुत ऊंचा मूल्य है या शुरुआती मूल्य है? शुरुआती मूल्य है। इससे अच्छी स्थिति है रिलीजियस हार्मनी। रिलीजियस हार्मनी का मतलब सभी धर्मों के प्रति अच्छा भाव मन में ले आना, अच्छा भाव। हाँ, मुसलमान भी अच्छे होते हैं, ईसाई भी अच्छे, सिख भी अच्छे, यहूदी भी अच्छे, हिंदू भी अच्छे, सब अच्छे होते हैं। मेरा धर्म तो मेरा धर्म है, मैं उसका पालन करता हूँ, लेकिन हाँ मुझे सब धर्म अच्छे लगते हैं, ये भाव मन में आने लगे। और इसी में कहते हैं कि जब ये भाव आता है तो एक स्थिति आती है जिसको बोलते हैं रिलीजियस पार्टिसिपेशन, धार्मिक सहभागिता। ये शब्द भी आपने सुना ही होगा, रिलीजियस पार्टिसिपेशन, धार्मिक सहभागिता। इसका मतलब दीपावली हो तो मुसलमान आदमी हिंदू के घर जाएगा, दीपावली मुबारक करेगा, मुबारक हो जी, बहुत मुबारक हो, लक्ष्मी जी की पूजा कर ली आपने, चलो मिलकर जुआ खेलते हैं, आओ आपको दीपावली मुबारक हो, और आधे घंटे बाद आपको दिवाला मुबारक हो, क्योंकि जुआ में जीत गया, आप हार गया। एक तो ये हो सकता है, ईद आई तो हिंदू आदमी पहुंच जाए कि आज तो सेवई बनाओ जी, बढ़िया से सेवई मैं ही खाऊंगा आपकी बहुत सारी, तो वो उसके सेवई खा रहा है, ये इसके यहाँ होली पर रंग लगवा रहा है। ये नहीं कि होली पर रंग पड़ गया तो मुसलमान ये कहे कि ये क्या कर दिया, कुफ्र कर दिया, ये सब ड्रामा नहीं करना है। ऐसा क्या धर्म है जो रंग पड़ने से खराब हो जाता है? धर्म ताकतवर चीज है, रंग पड़ गया धर्म खराब हो गया, सड़क में जाने कीचड़ उछल गया अचानक पड़ गया धर्म खराब हो गया, इससे ये क्या बात हुई?
एक दूसरे के धर्म में पार्टिसिपेट करना, जब तक आपकी बेसिक मान्यताओं के खिलाफ ना हो। जो आपकी हदें हैं उन हदों के अंदर आप पार्टिसिपेशन करते रहें, इसको बोलते हैं धार्मिक सहभागिता। तो धार्मिक सहभागिता आम तौर पर कहां से आती है? इस विचार से, सर्वधर्म सद्भाव से आती है। ठीक है, इसकी अगली स्थिति महात्मा गांधी कह रहे हैं सर्वधर्म समभाव। समभाव का मतलब है एकदम बराबरी का भाव। सद्भाव में तो ये हो सकता है कि आप सबको सम्मान दें लेकिन किसी को कम किसी को ज्यादा सम्मान दें। समभाव का मतलब है जितना सम्मान मैं अपने धर्म का करता हूं उतना ही सम्मान दूसरे धर्म का करता हूं। अंतर ही नहीं है, एक ही मंजिल के भिन्न भिन्न रास्ते मात्र हैं। ये स्थिति मन में आ जाए तो बोलेंगे समभाव। आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है, लेकिन ऐसा मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, तो वो आपको ध्यान एक शब्द बताया था मेल्टिंग पॉट कल्चर। कल्चर्स तीन चार तरह की होती है, एक होती है मेल्टिंग पॉट, एक होती है मोनोलिथिक कल्चर होती है, एक होती है मोजाइक या जो सैलेड बॉल कह देते हैं उसको, जो भारत की है। कुछ लोग कहते हैं कि एक के पास सारी ताकत रहे वो तो इनटॉलरेंस वाले हैं, धार्मिक असहिष्णुता। जैसे अगर पाकिस्तान के बहुसंख्यक मुसलमान ये चाहें कि अल्पसंख्यकों के जीवन के अधिकार छीन लें, उन सब पर दबाव बनाएं कि चुपचाप धर्म बदल लो, अगर ऐसा किसी भी देश में हो तो इसका मतलब ये हुआ कि मोनोलिथिक कल्चर है, माइनॉरिटीज के पास अपने अनुसार जीने का हक नहीं है। अगर यह स्थिति हो कि भाई सब धर्म अपने हिसाब से जिएंगे, सब धर्म अपने हिसाब से जिएंगे, उसमें ये तीन स्थितियां बन सकती हैं, सहिष्णुता, सद्भाव, समभाव। इन तीनों में निहित है कि हर व्यक्ति अपने धर्म को माने, और विभिन्न धर्मों की आपसी इंटरेक्शन किस नोट पे होगी, या तो सहन करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे या एकदम बराबर मान लेंगे। कुछ लोग अमेरिकन की तरह होते हैं, अमेरिका कह रहा है कि डाइवर्सिटी तो नहीं चलेगी, लेकिन हम किसी एक कल्चर को ही सारा महत्व क्यों देंगे? तो हम क्या करेंगे, सारी कल्चर्स को मिला के मेल्टिंग पॉट में डालेंगे, उनका बनाएंगे हलवा, उस हलवे का नाम होगा अमेरिकननेस। ठीक वैसे कुछ लोग मानते हैं कि धार्मिक एकता स्थापित करनी हो तो उसका सही तरीका यह है कि सारे धर्मों को मिलाओ, उनका हलवा बनाओ, उस हलवे का नाम होता है सर्वधर्म समन्वय। सारे धर्मों का समन्वय करके एक धर्म बना लो, इसको बोलते हैं सर्वधर्म समन्वय। जिन लोगों ने ऐसी कोशिश की उनमें से एक व्यक्ति का नाम है भगवान दास, मैंने जिक्र किया था ना, गांधीवादी विचारक थे। और भगवान दास की एक पुस्तक है द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, हिंदी में कह सकते हैं सभी धर्मों की तात्विक एकता। सभी धर्मों की तात्विक एकता, एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। ठीक है, इस किताब में इन्होंने अपने तरीके से बात रखी कि सभी धर्म तो मूल रूप से एक है, लेकिन हिंदू धर्म को कोर मान के बाकी धर्मों की विशेषताएं शामिल कर लें, इनकी ऐसी अप्रोच है। लगभग यही अप्रोच राधा कृष्णन की भी है। राधा कृष्णन ने भी ये विचार दिया कि हम हिंदू धर्म को कोर मानकर बाकी धर्मों की विशेषताएं स्वीकार कर लें तो एक वैश्विक धर्म बन सकता है। पर आप समझ सकते हैं, जब भी किसी धर्म से पूछेंगे वो अपने धर्म को कोर मानेगा, बाकियों को साइड में लेगा, और इस वजह से सभी धर्मों में यही सहमति नहीं बन पाएगी कि कौन से धर्म को कोर माना जाए और कैसे उन सबकी मिक्सिंग की जाए। तो एक आदर्श विचार है, व्यावहारिक तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सारे धर्मों को खारिज करके एक नया धर्म बना लो, जैसे ऑगस्ट कॉम्प ने कहा, जॉन डिवी ने कहा, पर वो भी बहुत विचार चल नहीं पाए। तो आप सिर्फ इतना कहिए, ये रामायण मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि सर्वधर्म संभाव पर प्रश्न आते हुए एक तो अपनी ओर से स्पष्ट कर दीजिएगा, और एक बार यूपीएससी ने, जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, इन शब्दों में अंतर पूछा भी है जीएस में ही, तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अच्छा रहेगा। यहां तक बात स्पष्ट हो गई कि मजहब के सेंस में धर्म के बारे में महात्मा गांधी की राय क्या है। जी,